नमस्कार साथियों, मैं के सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज़ टुडे। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बहुचा विधानसभा का भी, अभी चुनाव ख़त्म हुआ है आज, और आज यहां पर आरजेडी की जीत हुई है, ऐतिहासिक जीत हुई है। तो क्या नाम है ताऊ जी आपका? जोगिंदर शाह। जोगिंदर शाह जी, क्या करते हैं सर? ये दुकान कर रहे हैं सुधा। ये आपका ही दुकान है ना? जी जी। तो आज जिस तरह से चुनाव सम्पन्न हुआ है और आरजेडी की जीत दर्ज हुई है, ऐसा लगता है कि काफ़ी वर्षों के बाद यहाँ हुआ है कि किसी भी पार्टी के प्रत्याशी की 30,000+ वोटों से जीत हुई है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसमें कहना चाहिए कि नीतीश कुमार को चलते ऐसा हुआ। अगर ये ऐसा नहीं करते, उनको तो दारू बंद करा दिए, दुकान दौरी जितना है सब उसके चलते बंद हो गया। अच्छा, शराब जो बंद हुई है उस पर महिलाएं कहती है कि ठीक हुआ है, जो उनके पति हैं पी करके झगड़ा करते थे, अब ये सही हुआ है। आप कह रहे हैं कि गलत? गलत है। आज जितने हैं ये सबको काम ठप हो गया, क्या है दर दुकान दुनिया संसार ये भी पैसा अगर आता था, ये बंद होने के कारण ही ना हुआ है। इनका कारण से जो है सरकारें ना ही हुआ है, अभी तो नहीं होता, इसलिए कि इनको हटाया जाए यहाँ से, बीजेपी वाले अपन किसी को बनावे। अच्छा, एक बात बताइए, वर्तमान में जो नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, क्या वो गरीब अति पिछड़े या जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए काम कर रही है? नहीं, कुछ नहीं। ये तो पुलिस के मनपुलोसी दे दिए, सारे पुलिस को मनपुलोसी दिए, इसलिए पुलिस बढ़ोतरी है। दारू तो अभी फोन कीजिए, दारू आता है, पुलिस वाले खुद लेके आते हैं, खुद लेके आते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ये दशक आ, जब दारू बंद किए तो दारू तो नहीं आना चाहिए था। जैसे सरियागढ़ टावर है, अखाड़ाघाट पुल है, अखाड़ाघाट पुल से जबकि हुआ प्रशासन लगा, तो गाड़ी कैसे आएगा दारू के यहाँ? नहीं आएगा, इसलिए उनकी पैसा मिलता है, इसलिए दारू यहाँ पहुँचता है, फोन कीजिए दारू आ जाएगा। अच्छा, आप कहते हैं कि नीतीश कुमार को हटाया जाए और बीजेपी अपना कोई अच्छा व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति को रखे। अच्छा, एक बात बताइए, हाँ, इनको हटाया जाए। नीतीश कुमार की सरकार सही नहीं है? सही नहीं है, सब आदमी रोड पर आ गया है। उनके नियंत्रण में जो बिहार की सरकार चल रही है, काम सही नहीं हो रहा है? कुछ नहीं, इतना मेडिकल हो भाई, कोई भी है यहाँ रिटायरमेंट हुआ, वो में आदमी बहाली चाहिए था कि नहीं चाहिए था? चाहिए था, बाकी ऐसा ही नहीं करते, कुछ सुनवाई नहीं है। उनसे क्या होगा, भुखमरी हो गया, जो लड़का सा जो पढ़ा लिखा क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, सब तो ऐसा ही बउआ रहा है, तो चोरी डकैती दुनिया संसार करेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि भाजपा जो है नीतीश कुमार को हटाए और किसी दूसरे व्यक्ति को यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाए, लेकिन आप ये बताइए कि भाजपा ने अभी ही, ताज़ा खबर है आपके बिहार की, कि बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। बदलाव ये हुआ है कि मुकेश सहनी जी के साथ जो NDA का गठबंधन था उनका पार्टी तोड़ दिया, ऐसा मुकेश सहनी जी कह रहे हैं, उनका विधायक खरीद लिया या जो हुआ है, और उनको मंत्रिमंडल से भी बाहर कर दिया है। तो क्या ऐसी सिचुएशन में भाजपा को यहाँ अपना चीफ मिनिस्टर बनाना संभव है, और ऐसी रणनीति अगर करेंगे तो लोग कैसे उनको सपोर्ट करें, कैसे साथ मिले? नहीं, ये तो नरेंद्र मोदी अपना करे, इसको नीतीश जी को यहाँ से हटाया जाए, ये अगर हटते हैं तो इनकी सरकार नरेंद्र मोदी पे अच्छा चलेगा, इसलिए कि इनका सरकार में कुछ नहीं हो रहा। तो अगले चीफ मिनिस्टर के रूप में किसको देख रहे हैं? नीतीश जी हटे तो कौन बनना चाहिए? ये में जो उनका अच्छा हो वो बना। कौन अच्छा आपकी नज़र में, कौन अच्छा? अच्छा क्या है, जिसको भी बना दे नरेंद्र मोदी जी, वो अपना नेता को जिसको बैठावे, बाकी इसको यहाँ से ले जाए, ट्रांसफर करा दे। अच्छा, समस्याएं बताइए कि अभी तो एक दारू वाला मुद्दा आपने बताया है नीतीश कुमार की सरकार में हो रहा है, पुलिस वाले खुद शराब जो है पहुंचाते हैं, और क्या क्या मुद्दे हैं जिन पे काम नहीं हो रहा है? काम क्या हो रहा है, मेडिकल में कोई सुनवाई नहीं है, जितना आदमी चाहिए उतना आदमी है नहीं, हर एक ऑफिस में दूसरे नंबर, हर एक ऑफिस में घुसखोरी है, कोई ऑफिस नहीं है कि घुसखोरी नहीं है, सब घुसखोरी है, उनका ये रवैया है। दूसरा नंबर, खुले प्रशासन किसी को घर में प्रवेश कर जाता है, तनको मन को बात में कोई लगाम नहीं है, लगाम कसना चाहिए ना उनको, लगाम कसना चाहिए, बंद करना चाहिए। गुंडागर्दी क्यों हो रहा है, गुंडागर्दी तो बढ़ते जा रहा है, इसलिए इसको बंद किया जाए। अच्छा, सड़कों की क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? सड़कों की, पानी की, शौचालयों की, लोगों के पास रहने के लिए घर भी नहीं है, इनके पास कोई उपाय नहीं है। आज देखिए ना, जितना मरई जो है, कैला मरई है, हर प्रांत में 70 घर है, बाकी यहाँ सबसे
खत्म है। बिहार में सबसे ज्यादा दयनीय गरीबी है। हाँ, गरीबी छा गया है, हर एक चीज के छा गया, कोई सुनवाई नहीं। भाजपा गरीबी दूर कर सकती है? हाँ हाँ करेंगे। नहीं, लोग कह रहे हैं कि भाजपा तो महंगाई कर रही है। ना महंगाई क्या होगा, जब यहाँ कुछ हो भी नहीं करता, पेट्रोल यहाँ है नहीं। देखिए 117-120 रुपए लीटर हो गया है, ये 70 से आएगा। यहाँ कथी है उसका खेत है क्या? क्या लोग गाड़ी चलाना बंद कर दें? ना ना बंद कैसे होगा, हमारा क्या मतलब। देखिए गरीब वाला भी जितना है तो पूंजीपति वाला को गरीब है, गरीब को गरीब नहीं है। एक रुपया अगर पेट्रोल पर लीटर पर बढ़ता है, भाड़ा पर आदमी को 10 रुपये बढ़ा देता है, तो एक लीटर में मुजफ्फरपुर जाने आने में 1 रुपये में बढ़ेगा। अब भाड़ा कितना बढ़ गया गाड़ी का, इसलिए सब पूंजीपति की सरकार है, ये कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, अभी भाजपा की तो सरकार यूपी में, उत्तराखंड में है, कई जगह पे बनी है, लेकिन पंजाब में आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी ने वहाँ पर भाजपा को धूल चटा दी, इस पर क्या कहेंगे? धूल चटा दिए, उधर सारा चीज़ फ्री कर दिए, लाइन टाइम सारा को मिलट कहूँ जो है वो बत्ती नहीं अब होता है। सारा आदमी खुशी से खाता पीता है, सब पढ़ाई लिखाई अच्छा है, तो उसको सरकार ने माने देखो क्या मानेगा। भारत की सबसे बड़ी पार्टी आज के समय में बीजेपी है, ये आप भी जान रहे हैं, और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी RJD है। तो इन दोनों के बीच में अभी आप देख रहे होंगे एक उभरती हुई दूसरी पार्टी है, VIP पार्टी, मुकेश सहनी जी वाली। तो जो स्थिति फिलहाल बिहार में बनी हुई है उसको आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह का माहौल यहाँ राजनीति का बना हुआ है, उस पर आप क्या कहेंगे? उस सारे कुछ है नीतीश कुमार के कारण है, दूसरे कारण नहीं है। देखिए बहुत ही अच्छा चलता, मैं खाली नीतीश कुमार ही चलते ना ये हुआ है। आज बेबी कुमारी जीतता, ये नहीं जीतते, बाकी उनके करनी से हारी है। नहीं, भाजपा ने जो है यहाँ पहुँचा उपचुनाव में बहुत सारे अपने मंत्री विधायक भेजे, और सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा बहुत चला कि उनके मंत्रियों को जो है बोर्ड लगा दिया गाँव में, भाजपा का आना मना है। तो आप फिर भी दावा कर रहे हैं कि भाजपा सरकार बनाए और अपना ये नीतीश कुमार को चेंज करें? इनके नरेंद्र मोदी के कारण जो ही वोट मिला है उनके कारण मिला है, बाकी इनके कारण वोट नहीं मिला। मोदी जी के कारण वोट मिला है, जो भी 45,000 लगभग वोट मिला है आज, इनके कारण नहीं वोट मिला है, नीतीश जी को कारण वोट नहीं मिला है। अच्छा, हमारे जो चैनल के दर्शक हैं उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे? अब कथी कहे, अब तो बहुत ही कुछ कह दिए। थोड़ा हाय कह दीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें, बोल दीजिए कर लीजिए वीडियो को, बोल दीजिए थोड़ा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आवाज जनता तक जाए, जनता दर से आवाज ऐसी चल जाए, हाय कर दीजिए ऐसे हाय। तो देखिए ये थे हमारे ताऊ जी, और काफ़ी अच्छे इनके विचार हैं। नीतीश कुमार की सरकार यहाँ बिहार में कोई काम नहीं कर रही है ऐसा ये कह रहे हैं, और चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी चेंज करे और किसी अच्छे व्यक्ति को यहाँ पर जो है चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, ताकि गरीबों के लिए, कमज़ोरों के लिए यहाँ पर काम हो सके। आप लगातार बने रहिए हमारे, अगली न्यूज़ में हम लोग कहीं ना कहीं मिलेंगे आप लोगों से, और इसी के साथ धन्यवाद।